का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मिस्टर शेख खान सो रहे हैं। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा मासी आई उससे काम वाम करवा के। मैं हो चुकी हूँ तैयार और इनको देखें, ये देख रहे हैं आप मेरे शौहर को, मैं पूरा पूरा रेडी हूँ। कमरे की हालत क्या की है इन्होंने, पूरा समेट के जाओ, दो मिनट बाद आओ। ये एक्सक्यूज मी, ये शख्स पूरे आपने अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप बाहर जा सकती हैं। आपका गद्दा स्टोर रूम में लगाऊंगी मैं, इनका गद्दा स्टोर रूम में लगेगा आपसे गाइस। ठीक है, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब नमाज पढ़ूंगी और खीर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ तक पहुँची। खीर में दूध चीनी खोया डल चुका है, अब बस थोड़ी थोड़ी रह गई है। ठीक है, हम इसको बनाते जाएंगे। ये तो गाइस अभी मैं खीर पका रही थी और फौरन ही आ गई फौरन ही आ गई कि भाई खीर की खुशबू इनके ऑफिस तक पहुंच गई और ये भागती भी आ गई। वो रखा हुआ हमारा मिरर, वो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और अभी हम पूरा ड्राइंग रूम रिवील नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद करेंगे, पूरा आपको हाउस टूर देंगे। सस्पेंस पे जिंदा है हम। बहन भाई का प्यार चल रहा है, बहन जो है ऑयलिंग कर रही है अपने ब्रदर के। यस, सही से लगाइए। अब हमारे घर में जब सबसे आप ही आएंगे अब बस यही होता रहेगा, यस यस यस। और हम वो भी करते हैं क्या, ये तो बहुत हो रहा है जब से ओहो भाई पंखा चला दिया, सॉरी लाइट्स तो जला है कमरे की, पूरा कमरे का लुक आ रहा है माशाल्लाह। रूम टूर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूम टूर करना है भाई। हाँ, अभी रूम टूर भी है, हाउस टूर भी है, बहुत सारे टूर बाकी। खीर की रेसिपी नहीं बताया ना, खीर खिलाई ना रेसिपी बताई, कुछ भी नहीं भाई। अभी खाना ना रात में, खीर अभी ठंडी करने के लिए रखी है ताकि अच्छी से जम जाए, तो अच्छे से खाए। अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, और आप लगाए ऑयल, ठीक है, क्योंकि इनके बाल बहुत खराब हो रहे थे तो इनकी सिसी जो है वो लगा रही है। मेरा पी गया। भाई साहब अपनी बहन से मालिश वगैरह कराने के बाद आपका भाई नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया। यार पता नहीं शादी के बाद से ऐसा हो रहा है कि मतलब यार कोई व्लॉग बनाने का मेरा रूटीन ही सेट हो पा रहा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक मैं बोल रहा हूँ कि एक व्लॉग जहाँ मैंने सुबह से उठ के शुरू किया उसके बाद देखना भाई कंटिन्यूटी। अब मसला पता है क्या, आप से ऐसी क्लास वगैरह होती है, सुबह उठ जाती है जल्दी और मैं थोड़ा सा देर से उठता हूँ, आप सबको पता है, तो थोड़ा सा ना बड़ा ऑफ सीन बन रहा है। तो ये खैर हम अपनी रूटीन सही करेंगे, मुझे ही करनी पड़ेगी ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अभी तो नहा धो के रेडी हो गए, बस आगे का जो भी सीन होता है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, कोई मसला वाली बात नहीं भाई। लैपटॉप पर क्लास चल रही है और ये सो भी गई भाई, वाह क्या बात है। ठीक है भाई, अभी हमें थोड़े से अपने ऑफिस वर्क भी करना है तो वो चल के करते हैं, जो कि आप लोगों से ढका छुपाए। चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अरे भैया आगे की चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं हम पेरीपल्स के बारे में। भाई 1000 से ज्यादा यूजर्स हो गए पाकिस्तान में पेरीपल्स के। देखो भाई ये एक ब्रांड न्यू और प्रूवन प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो भाई पेरीपल्स आपको ऑफर करता है बेस्ट ऑड्स और प्ले ऑन योर फेवरेट मैचेस, फेवरेट स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स ऑल इन वन प्लेस। भाई जैसे क्रिकेट से फुटबॉल तक, कबड्डी से टेनिस तक, भाई सब है यहाँ पे। आपने कुछ नहीं करना, बस जस्ट प्ले करना है अपनी फेवरेट टीम पे और पैसे कमाना। जी हाँ, और पेरीपल्स आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 40,000 का बोनस भी देता है। डिपॉजिट और विड्रॉल का सिस्टम तो इन लोगों ने भाई इतना इजी और सिंपल कर दिया है ना, आप अपने किसी भी लोकल बैंक पे कर सकते हो। इजी पैसा, जैश, कैश, मनी गो एटसेट्रा, मतलब कहीं भी। वेट किस चीज का कर रहे हो, ज्वाइन करो पेरीपल्स को, वहां से पैसे जैसे कमाओ यार। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना और लिंक आपको कमेंट में पिन हुई हुई दिख जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करो और भाई का प्रोमो कोड यूज करो ताकि आप लोग आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे मिले 40,000 का बोनस। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आने के बाद मैं थोड़ा सा लेट आता है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, फिर मुझे आवाज आ रही है ये टीवी में से, पता नहीं ब्लॉग चल रहे हैं क्या हो रहा है, तो भाई उठ के देखते हैं, सोने ही नहीं दे रहे लोग। बिग चीज मुझे और याद आई कि हमने खीर नहीं खाई, तो चल के देखते हैं भाई खीर किधर है मेरी। ये तो हफ्सा की फ्रेंड है। हफ्सा तुम अपनी फ्रेंड को देख रही हो बैठ के भाई? ये वही है ना जिसने अच्छा वाला लिफाफा दिया था। वाह हफ्सा की फ्रेंड भाई, अच्छी थी हफ्सा की फ्रेंड नहीं थी सर। खा रही हो बर्गर? बर्गर वेयर इज माय खीर? खीर खिला ही नहीं रही है, खीर की बस सुबह से वो सुना होगा ना आपने, दूर के ढोल सुहाने, सुबह से भाई ढोल बज रहा है कि खीर बन रही है, लेकिन अभी तक खीर मिली नहीं है। और मैं टाइम आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं 2 बजने वाले, बट खीर का आता पता नहीं है किधर है। अच्छा भाई व्लॉग भी हमारे वलीमे वाला चल रहा है भाई, शाफसा का वलीमा व्लॉग भाई, रबी का खान बिन बुलाए मतलब ये क्या बात है? बहुत अफसोस होता है। जी बहुत अफसोस है, नहीं खाया जा रहा, खा के आया हूँ वैसे आपको पता है। सुबह से तुम्हारी बैटरी इतनी चार्ज होती है, तुम अभी रात में तो सुस्त। जाहिर है मैं एक अच्छी इंसान हूँ, सुबह जल्दी। भाई हम दोनों की रूटीन ही मैच नहीं कर रही, ताली मारो। आपकी रूटीन खराब है, मेरी सही है, ये ले। नहीं मैं नहीं खा रहा, आप खाओ। तैयार क्यों हो रही हो, खीर तो खिलाई नहीं अभी तक। मैं लिपस्टिक लगा रही थी, आ जा खीर। खीर खिला रही है,
देखते हैं भाई अफसर ने कैसी खीर बनाई है। चलो जी आ जाओ भाई। भाई बिरयानी निकाल रही है गिरा गिरा के अफसर। जब शाही किचन में आते ना तो नहीं देखा मैंने, ये देख लिया मैं, आ गया तो देख लिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता। गिरा दी सारी यार, साफ भी मैं ही करूंगी, क्या मजा आपसे करने। सही है भाई, सही है, कहीं करने में तो मजा ही आता है। ये किसने बनाई है ये खीर, क्या है ये खीर है कोई आपके लिए थोड़ी बनाई है। ये देखो वहाँ केचप लगा हुआ है। अच्छा तो मुझे तो लगता है इतनी आसानी से ये खीर मिलने नहीं वाली। आ रहा हूँ। चलो भाई मैं इस खीर की कहानी आप लोग को बताता हूँ कि बेसिकली ये खीर क्यों बनाई जाती है। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला क्योंकि मेरी शादी फर्स्ट टाइम हुई है ना, कोई दूसरी तीसरी बार तो नहीं हुई। तो भाई खीर इसलिए बनती है क्योंकि जब दुल्हन आती है उसको मतलब 6-7 दिन हो जाते हैं, 6-7 दिन तक वो खाना वगैरह नहीं पकाती, मतलब लाइक किचन में हाथ नहीं डालती, किसी काम में नहीं। तो ये है कि 6-7 दिन बाद वो खीर बनाती है, उससे ये है कि मतलब ये कि उसका सीन ऑन हो जाता है कि वो खाना वाना पका सकती है। भाई ईजी सीन है, अब खीर बन गई, अब मुझे नाश्ता भी मिलेगा, अब मुझे खाना भी मिले, वो तो वैसे भी मिल जाता है यार। छोड़ो क्यों मैं बिलाफजूल में अपनी बीवी की बुराई करूँ ना, आप लोग बोलोगे हा 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 नहीं। I love her. So guys, फाइनली हमारी खीर आ चुकी है और हम ये टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये खीर कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या बात है, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, मतलब अच्छी है। कुछ तो अच्छा मिला खाने को, थक गया था शादी के खाने खा के असल में। आप भी खाओ, टेस्ट करो, वाओ गुड। तो चलो भाई अब चुपचाप से खाते खीर। सो भाई साहब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने खीर खा लिया भाई, बड़ी प्यारी खीर बनाई थी मेरी बेगम ने। भाई आपने इतनी प्यारी खीर बनाई थी तो उसके लिए इनाम तो बनता है भाई। कैसी हो, क्यों इतना शौक क्यों हो, क्या हुआ क्या हुआ बाबा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे मैं ये 1000 रुपये रह गए मेरे हाथ में, क्या हो गया, ये 1000 रुपये रह गए। हाउ मच, हाउ 27। खुश रहो। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो ढेर सारा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन लाजमी दबा देना। कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। लेकिन एक बात सुनो, आप लोग की बहुत सारी फरमाइश है कि भाई हाउ वी मेट, हमारी लव स्टोरी तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी आई विल टेल यू। कल इंशाल्लाह वाली वीडियो भी आएगी। पंखा सबसे